आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी को आज हम देखेंगे क्या होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। ग्रेविटेशन को हमने समझ लिया था, किस तरीके से ग्रेविटेशन वेरी करता है ये समझ लिया था अर्थ पे, पोल्स पे, इक्वेटर पे। तो आज हम ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में देखें तो दोस्तों, आपको पता ही है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस तरीके से नाम सजेस्ट कर रहा है, ये वो वेलोसिटी होती है जो कि एक सैटेलाइट को दी जाती है कुछ किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस के, कि वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे। दोस्तों, अर्थ में लो ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट होते हैं, आपको पता ही है। हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो कंटिन्यूअसली एक बिगर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। हालांकि सैटेलाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके की सैटेलाइट होती हैं, आपको पता ही है। एक तो पोलर सैटेलाइट होती है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट मतलब जो पोल्स पे आपके चक्कर लगाए, और एक आपकी होती है जियोस्टेशनरी जो कि इक्वेटर पे आपके चक्कर लगाए, ठीक है। तो यानी कि पोलर क्या, वर्टिकल, और जियोस्टेशनरी इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो तरीके की सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट को हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो वो सैटेलाइट को एक वेलोसिटी दी जाएगी और उस वेलोसिटी से वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। दोस्तों याद रखिएगा, जितने अगर हम चाहते हैं कि सैटेलाइट ज्यादा चक्कर लगाए धरती के, तो हम उसको पास में रखेंगे, जितना पास में हो सकेगा अर्थ के वो ऑर्बिट उसको देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि दिन में एक बार ही चक्कर लगे, तो और दूर, और कम चक्कर लगे तो और दूर। तो इस तरीके से दोस्तों ऑर्बिट जो है ना, वो डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, ये वो वेलोसिटी होती है जो कि सैटेलाइट को दी जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है तो वो 90 डिग्री पे नहीं होती, हल्की सी टिल्टेड होती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट को पकड़ ले। तो अब दोस्तों आपको पता ही है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, GMM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता ही है, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। और ये जो फोर्स लगती है यहां पे, ठीक है, मतलब वो फोर्स जो कि हमारे सैटेलाइट पे लगेगी या नेचुरल बॉडीज पे लगेगी, जो वो रिवॉल्व करती है, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपको पता ही है, इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब एफ का अगर हम ग्रेविटेशन में देखें तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हमने खाली फोर्स के फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला लग दिया। तो ये एम से एम कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका ये आर, एक आर से आर कट गया, ठीक है, और ये वी ऑर्बिटल है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या फॉर्मूला आएगा, वी ऑर्बिटल इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का डिराइव, छोटा सा डेरिवेशन है, वी ऑर्बिटल इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अब अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये आप समझ गए, ये इसका रेडियस हो गया, ये रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, और ये हमारी सैटेलाइट है, ये इसका ऑर्बिट है, समझ गए। तो अगर ये अर्थ का रेडियस है, ये अगर हम, ये पूरी हाइट हो गई एच, ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, ये हाइट हो गई और ये हमारे सैटेलाइट का रेडियस हो गया आर। तो अगर हम देखें तो इस रिलेशन से हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी और बाकी सब में रिलेशन जो है वो मिल जाता है। तो v ऑर्बिटल क्या होता है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ये आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं दोस्तों, और फ्रीक्वेंसी, टाइम निकल गए तो फ्रीक्वेंसी, हर चीज निकल सकती है, एनर्जी, एनर्जी सब निकल सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी होती है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाए। मतलब जैसे आपने बॉल फेंकी, अब बॉल फेंकी तो वो नीचे आती है, आती है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको खींचती है। लेकिन मान लीजिए आपने इतनी तेज बॉल फेंकी कि वो अर्थ की ग्रेविटी से ही एस्केप कर गई, इतनी जोर बॉल फेंकी कि जैसे रॉकेट्स में होता है, वो अर्थ की ग्रेविटी एस्केप कर जाते हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करके वो चली गई स्पेस पे। तो उसको कहते हैं, जिस वेलोसिटी से वो बॉल फेंकी जाती है या वो बॉडी को ऊपर फेंका जाता है वर्टिकली, उसको कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। मतलब वो चली गई, वो एस्केप कर गई, ठीक है ना, चली गई, वो ग्रेविटेशनल पुल से वो चली गई, ठीक है। आप उसमें कोई भी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो धरती की
नहीं लगेगी दोस्तों। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वैसे तो इसका एक पूरा का पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। अब अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो आपको पता ही है कि हम कुछ भी डिराइव करते हैं तो कैसे डिराइव करते हैं, उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट की थी कि हम दुनिया को कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर आपको उसकी एनर्जी पता है। एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। तो अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डी डब्ल्यू हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमको पता है लोअर लिमिट क्या है, मतलब जैसे आपने कहां पे बॉल पकड़ी है, आर पे, ये डिस्टेंस हो गई, और वो कहां तक आपने ऊपर फेंकी, ठीक है, और वो कहां तक जाएगी आपको नहीं पता, तो इनफाइनाइट हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं वो कहां तक जाएगी, ठीक है। आपने बॉल फेंकी, वो एस्केप कर गई, और कहां तक जाएगी नहीं पता। फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, हम अपनी सहूलियत के लिए एक्स ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डीएस है तो यहाँ पे हम डीएक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेंट वो सेम हो जाना होना चाहिए सब कुछ। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो जी एम एम बाहर ले लीजिए, इनफाइनाइट आर 1/x² dx, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। दोस्तों मैं इंटीग्रेशन अभी छोड़ रहा हूं फिलहाल के लिए। अगर हम इस एस्केप वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला निकालें इंटीग्रेट करके सब कुछ, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm/r, ये फॉर्मूला आता है दोस्तों। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब वो वेलोसिटी जो हमको दी जो हम देते हैं किसी भी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकी जाती है उसे, जिससे वह ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाए। अब दोस्तों हम हर किसी की एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अर्थ की अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो आपको जी पता ही है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? 6400 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है दोस्तों, वो 11.2 किलोमीटर/सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। तो दोस्तों अच्छी खासी स्पीड है दोस्तों, बहुत तेज ऊपर जाती है, समझ गए। तो यहां पे इस वेलोसिटी से अगर आप किसी भी चीज को फेंके, 11.2 किलोमीटर 1 सेकेंड में, 11.2 किलोमीटर आप समझ रहे ना, 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर, इस वेलोसिटी से अगर आप किसी को फेंके, बहुत तेज हाथ चाहिए दोस्तों, ये हाँ, इंसान तो कर नहीं सकते, तो वो धरती से स्केप कर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब एक बहुत सवाल पूछा जाता है दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, व्हाई मून हैज नो एटमोस्फियर, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये कि मून में कोई एटमोस्फियर क्यों नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका भी जो जवाब है वो एस्केप वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मून पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 2.4 किलोमीटर/सेकेंड, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही लो एस्केप वेलोसिटी है। एटमॉस्फेयर के लिए क्या होता चाहिए? अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपको पता ही है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% दूसरी गैसेस है। तो गैसेस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एटमॉस्फेयर सस्टेन कर पाए। मून में एस्केप वेलोसिटी खाली 2.5 किलोमीटर होती है, मतलब 2.4 किलोमीटर/सेकेंड होती है मून की एस्केप वेलोसिटी, इतनी कम एस्केप वेलोसिटी है। तो गैसेस की इससे ज्यादा होती है, जो गैसेस होती है उसके ज्यादा होती है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं, तो इसकी वजह से वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब धरती की 11.2 है तो काफी ज्यादा है, तो यहां पे गैसेस की जो एस्केप वेलोसिटी है वो उससे कम होती है, तो वो एस्केप ही नहीं कर पाते, तो यहां पे एटमॉस्फेयर है। तो ये रीजन है दोस्तों व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, समझ गए। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम सैटेलाइट्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को फाइनली खत्म करेंगे ग्रेविटेशन को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।